हेलो माय डियर व्यूवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग र के रूप टाइप्स ऑफ र तो जो र होता है उसके इतने डिफरेंट टाइप्स से यूजेज होता है हिंदी लैंग्वेज में सो वी यूज दिस र इन दिस लैंग्वेज इन दिस फॉर्म इन हिंदी लैंग्वेज तो फर्स्ट इज सामान्य सामान्य र मतलब क्या सामान्य र मतलब जो जो र पूरा साउंड है उसको हम उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे सामान्य जैसे रथ में अनार में खजूर में ये र है नॉर्मल जो हम र का साउंड होता है उसी फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हैं सेकेंड जो है रेफ रेफ वाला जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ऊपर एक छोटा सी जैसा लगाते हैं हम वर्ड में तो जो वर्ड दो Uh, दो लेटर्स के बीच में अगर र का साउंड होता है तो उसके बाद वाला जो लेटर होता है उसमें ये रेफ लगता है जैसे बर्फ़ तो ब और फ के बीच में र का साउंड है बर्फ तो इसलिए फ़ के ऊपर हमने रेफ लगाया सर्प स और प के बीच में र का साउंड है इसलिए हमने ऊपर रेफ लगाया मार्ग तो मा और गो के बीच में र का साउंड है इसलिए हमने लगाया रेफ ग पे रेफ लगाया मार्ग दूसरा जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पदेन पदेन में हम दो तरीके से लगाते हैं तो नीचे एक ऐसे डंडी लगाते हैं और दूसरा ऐसे छोटा सा उल्टा वी जैसा बनाते हैं तो जो डंडी कौन से वाले वर्ड्स में लगती है जिस वर्ड्स में जो लेटर्स हैं वो खड़ी लीटी वाले हो, मतलब कि जिसमें कि हम ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन बनाते हो ऐसे जो लेटर्स है अगर वैसे लेटर्स आते हैं तो उसमें ऐसे नीचे एक छोटा सा हम डंडी बनाते हैं जैसे ब्रश ग्राम समुद्र पर जो लेटर्स खड़ी लिटी वाले नहीं हैं जो राउंडिंग वाले है ट द ये जो सारे वर्ड्स आते हैं अगर सॉरी द में तो ऐसे ही हम लगाते हैं पर ट ऐसे जो वर्ड हैं जो उसमें राउंड आता है तो उसमें हम ऐसे नीचे छोटा वी जैसा लगाते हैं ड्रम ट्रेन टैक्टर राष्ट्र तो नीचे अगर राउंडिंग वाले जो वर्ड्स लेटर्स आते हैं उसके नीचे अगर हमको र लगाना है हाफ साउंड वाला र तो हम ऐसे उल्टा भी लगाते हैं और खड़ी लिट्टी वाले वर्ड्स आते हैं उसमें हम ऐसे नीचे लाइन बनाते हैं तो पदेन में ये दो डिफरेंस है जो आपको समझना है नेक्स्ट है र में छोटा छोटाऊ की मात्रा और पे बड़ा बड़ाऊ की मात्रा तो र में छोटा ऊ की मात्रा होगी तो हम इस तरीके से र को लिखेंगे र के नीचे छोटे ओ की मात्रा नहीं बनाएंगे जैसे रुपया रुई गुरु रुक और में बड़ा रड़ाऊ की मात्रा है तो हम बड़ा बड़ाऊ की मात्रा र के पीछे एक टेल के फॉर्म में बना के लगाएंगे रुमाल अमरुद डमरू इस तरीके से तो हिंदी लैंग्वेज में जो र है उसके ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये यूज़ होता है तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा अगर यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग